उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर की भगवानपुर कोल्डिया में पुलिस फोर्स प्रशासन के साथ पहुंचे। बता दें कि अधिकारियों ने 2 JCB की मदद से भूमि पर अतिक्रमण को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। इससे गुस्साए लोगों ने JCB चालक पर हमला बोल दिया, साथ ही पथराव कर JCB चालक को घायल कर दिया। वहीं पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। बता दें जानकारी के अनुसार रुद्रपुर के भगवानपुर कोल्डिया में हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोक निर्माण विभाग की जगह पर काबिज लोगों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। वही कार्रवाई से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान कार्रवाई जारी रही। वही सूचना पर विधायक शिव अरोरा भी मौके पर पहुंचे और लोगों को 24 घंटे का वक्त देने के निर्देश दिए। निश्चित रूप से मैं यहाँ पे आके इसीलिए खड़ा हूँ, मैं किसी के अगर यहाँ पे जो मैं इसकी जिम्मेवारी भी तय करूंगा। बिल्कुल जिम्मेदारी तरीका नहीं है डंडे मार। जब 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 बस्ती के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, जब बस्ती के लोग भी समझ रहे हैं कोर्ट का आदेश है। मैं भी 2 साल से स्पष्ट रूप से लड़के प्रशासन से रोक रहा था कि कार्रवाई नहीं करनी, इन्हें न्यायालय से कहीं राहत मिल जाएगी। 2 साल से मैंने 1.5 साल से रोक रखा है, लेकिन आज जब न्यायालय का आदेश ही आ गया, तब कम से कम 24 घंटे का समय देके वो अपना सामान निकाल लें, कहाँ जाके रात को रुकेंगे, क्या व्यवस्था करनी है, इन सब की चिंता नहीं करेंगे। मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि ये 6 साल पहले कोई PIL यहाँ पढ़ी, PIL पढ़ने के बाद ये लोग अपने जो है न्यायालय के जो अपने वकील के माध्यम से उसकी पैरवी कर रहे थे। लगभग 3 साल पहले, 2.5-3 साल पहले इनके खिलाफ आदेश उच्च न्यायालय का आ गया। 1.5 साल से PWD इन पे कार्रवाई करने के लिए नोटिस देके कई बार यहाँ तोड़ने के लिए आ गया। जब भी वो तोड़ने के लिए आ, मुझे जानकारी आई, मैंने स्पष्ट रूप से PWD के अधिकारियों, प्रशासन के अधिकारियों को यहाँ से वापस भेज दिया। और उसका बहुत बड़ा कारण था कि इन लोगों को पूरी तरह से उम्मीद थी, इनके वकीलों से बात हुई, इन्हें कोई ना कोई रिलीफ मिल जाएगी, ये भी आश्वस्त थे। और इसी आश्वासन के लिए 1.5 साल में कम से कम 5 बार, इवन आज से 5 महीने पहले की बात है कि अगले 1.5 महीने के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई रिलीफ ले आएंगे। लेकिन कल मेरी जानकारी में आया माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इनके खिलाफ निर्णय दे दिया है।